रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध अतिक्रमण को रीवा कलेक्टर के निर्देश पर हटाया गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के पास पिछले कई वर्षों से फोटोकॉपी की दुकान अवैध रूप से संचालित थे, जिस पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजा टी अपना कड़ा रुख अपनाते हुए पिछले कुछ वर्षों से किए गए अतिक्रमण को हटवाया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब दोबारा कलेक्ट्रेट परिसर के पास अपनी गोमतियाँ ना लगाई, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई नगर निगम उड़न दस्ता के द्वारा की गई है। वहीं नगर निगम अधिकारी के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रीवा कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। सभी गोमती एवं दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि आगे से कलेक्ट्रेट परिसर पर अपनी गोमती ना लगाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में क्या कर रहे हैं? ये कलेक्टर साहब के आदेश पे हमने जो अवैध गोमतियाँ रखी होगी उनको हटवाया जा रहा है। कितनी गोमतियाँ रही होंगी? 6-7 गोमतियाँ थी, जिसमें कलेक्टर साहब ने सत्यान हमारे कमिश्नर मृणाल मीणा साहब का आदेश था, तो उनके आदेश पे हटाया। आपका नाम? ज्ञानेंद्र द्विवेदी।